है दोस्तों, क्या आप भी अपने Vivo Y28 5G मोबाइल में ऐप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह किसी भी ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ से ये मुझे प्लीज़ वेरीफाई योर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो आप इस तरह Vivo Y28 5G मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा फिंगरप्रिंट, तो यहाँ से पहले तो आपको फिंगरप्रिंट ऐड कर लेना है। जैसे आप फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऐड ए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इस प्रोसेस को फॉलो करके फिंगरप्रिंट ऐड कर लीजिए। जैसे आप फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, तो इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर लीजिए। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप आसानी से किसी भी ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने एल्बम्स, फेसबुक, व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाया है, तो यहाँ पर आपके सभी ऐप शो होंगे। तो जिस किसी भी ऐप में आप फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं, यहाँ से बस आपको इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो उस ऐप पर फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।